हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं श्री प्रहलाद सिंह, मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी का सेकेंड पेपर। हम देख रहे हैं एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पे क्लास नंबर 11 हो गया था, क्लास नंबर 12 के पास चलते हैं, एक शॉर्ट नोट्स कवर करते हैं। 5 नंबर का छोटा सा फेवरेट नोट्स आता है इसी हमारे पेपर में, 50 नंबर में 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है क्या, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेवर्स लाइन। तो वेवर्स लाइन क्या है या वैलिस लाइन क्या है, दोनों के बारे में बोलेगा, तो हम दोनों को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं वेवर्स लाइन। देखो जो वेवर्स लाइन है ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मैं थोड़ा क्यूब चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, वेवर्स लाइन एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखा का मतलब होता है कि ह्यूमन द्वारा तैयार की गई है। कैसे स्टूडेंट्स, ह्यूमन द्वारा तैयार की गई एक रेखा है। किसकी रेखा है, ये ऐसा रीजन है जो दो द्वीपों को अलग अलग करता है, एशिया को अलग करता है एंड हमारा जो ऑस्ट्रेलिया रीजन है इसको अलग करता है। मतलब एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। अभी हम आपको ग्राफ दिखाएंगे, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है और जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग लगभग अभी तक जितना पता चला है वो 35 किलोमीटर है। कितना है स्टूडेंट, 35 किलोमीटर की इनकी लेंथ होती है। ये 35 किलोमीटर लेंथ के साथ पाए जाते हैं कहाँ पे, हमारे एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया रीजन के बीच, इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की यानी इसके प्रपोजल की। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था यहाँ पे क्या, सिग्बा। तो सिग्बा एक्सपेडिशन जो थे ये इसकी डिस्कवरी किए थे, डिस्कवरी मतलब इसको प्रपोज करने की कोशिश किया था। अब इन्होंने प्रपोज करते समय ये बताया, ठीक, क्या प्रपोज करते समय ये बताया कि ये जो वेबर रेखाएं हैं ये तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसके बारे में जो मैक्स क्या थे, मैक्स वेलम कार भी कहीं ना कहीं वेबर रेखा को प्रस्तुत करते थे, लेकिन वो वैलिस लाइन को ज्यादा कंफर्म किए थे। किसको किए थे, वैलिस लाइन को कंफर्म किए थे। तो देखो एक मैं ग्राफ दे रहा हूं आपको, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जो ग्राफ है आप ग्राफ को समझिएगा, मैं थोड़ा सा पीछे हटके आप ग्राफ देखते रहिएगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि क्या ये पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये ग्राफ है, आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, बाद में आपको नोट्स बनाने में काम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो जब कहानी यहां तक होती है कि वेबर्स लाइन मिल जाती है, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग करता है, 35 किलोमीटर की रेंज होती है, इसको सिग्बा एक्सपेडिशन ने इनको प्रपोज किया था। तब धीरे धीरे कहानी हमारी आगे बढ़ती है तो ऐसा देखा जाता है कि जो हमारी वेबर लाइन होती है वो ऑस्ट्रेलिया और जो पुपुआन सेल्फ होता है, क्या होता है, पुपुआन सेल्फ के साथ पाई जाती है। इस चीज को ध्यान देना कि ऑस्ट्रेलिया एंड जो पुपुआन सेल्फ रीजन्स होता है वहां पे ये देखने के लिए मिल जाएगा। बट कभी कभी इनकी लाइनिंग थोड़ा और आगे जब बढ़ती है तो वो क्या होती है, ओरिएंटल, क्या ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलिया के जैव भौगोलिक मतलब बायो और जियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं, ठीक, बायो जियोग्राफिकल रीजन्स तक ये सामान्य सीमा तक पहुंच जाते हैं, एक लाइन तक ये पहुंच जाते हैं। अब इनको जब सामान्य सीमा तक पहुंचते हैं किसके, जब ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलिया रीजन में रहेंगे तो इनको हम वैलिस लाइन कहते हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया और पुपुआन सेल्फ के बीच पाए जाएंगे तो हम इनको वेबर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वेबर रेखाएं कहते हैं या वेबर लाइंस के नाम से जानते हैं। अब वैलिस लाइन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो वैलिस लाइन है वो मैक्स वेल्म कार्ल द्वारा प्रपोज किया जाता है। क्या होता है, मैक्स वेल्म कार्ल वेबर द्वारा प्रस्तावित किया गया ये रेखा होती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो लाइन है सबसे पहले प्रस्तावित कौन किया था, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मैक्स, क्या था, ये जो वेबर लाइन है ये प्रस्तावित किया गया था मैक्स वेल्म, क्या था, मैक्स वेल्म कार्ल वेबर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और ये ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी हमारे स्पीशीज थे, क्या थे, ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियाई रीजन के जितने भी हमारे स्पीशीज थे उनके बीच पाए जाने वाले, उन स्पीशीज के बीच, उन एरिया के बीच पाए जाने वाले पूरे के पूरे स्पीशीज की जो फन्ना थी वो कहीं ना कहीं कैसी थी, वो एक संतुलित कार्य करती थी। क्या करती थी, संतुलित कार्य का मतलब होता है कि जो फन्ना हमारे ओरिएंटल रीजन एंड ऑस्ट्रेलिया रीजन के साथ पाए जाते थे वो एक काफी सेम कंडीशन दिखाते थे, मतलब दोनों
फन्ना जो थे वो एक दूसरे को बैलेंस करके एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहते थे। मतलब उस साइड लाइन के उस साइड के भी एनिमल्स काफी अच्छे कैटेगरी पे थे और लाइन के इस साइड के भी एनिमल काफी अच्छे कैटेगरी पे रहते थे। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। बट स्टूडेंट ये ध्यान देना कि जो बेबर लाइन होता है, बेबर लाइन से लगने वाले जितने भी हमारे रीजन होते हैं, जितने भी हमारे एरिया होता है, वहां पे जो मैमल्स होते हैं, क्या होते हैं, मैमल्स की जो फन्ना होती है वो विशेष रूप से कह सकते हो स्पेशल पॉइंट से वो ऑस्ट्रेलियन होते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के ही फन्ना पाए जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि बेबर्स लाइंस के किनारे ठीक आउटर साइड है, इनर साइड की तरफ जो हमारे एनिमल पाए जाएंगे, एनिमल में जो मैमल्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया रीजन्स के ही दिखाई देंगे। क्या देंगे? ऑस्ट्रेलिया रीजन्स के ही दिखाई देंगे। अब उसके साथ ये देखा जाता है स्टूडेंट कि जो हमारी वैलिस लाइन होती है, वैलिस की जो रेखा होती है वो भी एक काल्पनिक रेखा है। क्या है वो? ये भी एक काल्पनिक रेखा है। और जो वैलिस लाइन होती है वो प्लांट्स को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है? वैलिस लाइन प्लांट को रिप्रेजेंट करती है एंड जो बेबर लाइन होता है वो मैमल्स एंड कह सकते हो कि एनिमल को रिप्रेजेंट करती है। ये भी क्वेश्चन किसी भी एमएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एमएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कि हमारे पास जो बेबर लाइंस होती है वो स्पेशली किसके किसको अलग करती है। तो बेबर्स लाइन एनिमल को एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करती है, एनिमल फन्ना को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वहीं पे जो वैलिस लाइन होता है ये स्पेशली प्लांट फन्ना को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? प्लांट फन्ना, यानी जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जो प्राणी जात होता है ये प्राणी जात को कंप्लीट करते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ये लाइन आप अपने माइंड में रखे रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोनों के लिए दोनों अलग करते हैं ये। इसकी सही तरीके से इनके बारे में थ्योरिकल रीजन दिए थे कौन? यहाँ जो सिग्बा एक्सपेंडिशंस हैं ये बेबर्स लाइंस के बारे में जानकारी सही से दिखाए थे। लेकिन इसको प्रस्तावित करने के लिए पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्स, क्या था? मैक्स वेल्म। क्या था? यहाँ पे ध्यान देना, मैक्स वेल्म कार्ल बेबर था, उनके नाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जब ये पहली बार प्रस्तावित हुआ था तो ये ओरिएंटल, क्या था? ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलिया रीजन्स के क्षेत्रों के बीच के जो स्पेशल हमारे फन्ना होते हैं उनकी क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आया था। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। मोस्ट फैक्ट दो, ठीक, कि जो हमारी बेबर्स लाइन है ये एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो वैलिस लाइन है वो प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इतना क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो रहा, अब इसको कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।